एक कप दूध से बाजार में मिलने वाली बहुत ही महंगी और स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कप दूध। दूध यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का यूज़ किया है और यहाँ मैंने दूध को बॉईल करके ठंडा कर लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप ग्राइंड किया हुआ चीनी। यहाँ मैंने चीनी डालकर इसे 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप डायरेक्ट चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्राइंड करके चीनी डालेंगे तो चीनी दूध में बहुत जल्दी घुल जाएगी। और अब हम चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में चीनी हमारा दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप या 1 कटोरी मिल्क पाउडर। और ग्राम में देखा जाए तो ये लगभग 150 ग्राम यहाँ मैंने स्कीम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ की हूँ। और अब हम इसे भी दूध में इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे। और यहाँ मैंने स्कीम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। और अब हम स्पैचुला से दूध में अच्छी तरीके से मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके से जब मिल्क पाउडर को दूध में मिक्स करेंगे तो थोड़े से लम्स बनेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू इसे इस तरीके से चलाते रहें और बाकी बचे लम्स जब हम इसे पकाएंगे तो ये ईजिली लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए दूध में मिल्क पाउडर को यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये देखिए मिल्क पाउडर की वजह से दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम इसे बाजार जैसा बिल्कुल स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ की हूँ और मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है, इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालकर हम इसे एक बार फिर से स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिठाई और स्वीट में अगर हम घी और अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल ही बाजार जैसा आता है। और ये देखिए यहाँ मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारे चीज़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम चलिए इसे गैस पे, इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। और अब हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई रखेंगे, जिससे कढ़ाई हमारा जल्दी गर्म होगा। और 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे ये तले में भी नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए गैस पे 1 मिनट हो गया है। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और अब हम इसे स्लो फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। और आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर और दूध का बैटर हमारा बहुत ही बढ़िया थिक और गाढ़ा हो गया है। हम इस टाइम पे इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाएंगे, जिससे ये और जल्दी थिक और गाढ़ा होगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल मावा जैसा होगा। इस टाइम पे आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इलायची पाउडर इसमें पहले ही डाल दी हूँ। और अब हम इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं बैटर हमारा जैसे जैसे पक रहा है वो कढ़ाई भी छोड़ रहा है। लेकिन आप इसे बिल्कुल कंटिन्यू इस तरीके से चलाएं, नहीं तो आपके मावा का कलर डार्क हो सकता है। और आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और मावा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बाजार के जैसा बन के तैयार हो गया है। हमें इसे इतना ही पकाना है। और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे इस तरीके से चलाते हुए पैन में ही स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स करेंगे, जिससे बैटर हमारा कढ़ाई के गर्म में भी और अच्छे से पकेगा और मावा हमारा जल्दी ठंडा भी होगा। और आप देख सकते हैं इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए लगभग 20 से 25 सेकेंड हो गए हैं और मावा हमारा बहुत ही अच्छा थिक और गाढ़ा हो रहा है। और चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसमें केसर वाला पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच पानी में 10 से 15 केसर के रेशे डालकर इसे 10 मिनट के लिए भिगो दिया था और इसका बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और अब हम इसे बाजार जैसा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें 1 से 2 बूंद केवड़ा वाटर डालेंगे। यहाँ मैंने केवड़ा वाटर का यूज़ कर रही हूँ।
आप इसकी जगह 1 से 2 बूंद गुलाब जल भी डाल सकते हैं, वो सभी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। और ये देखिए यहाँ मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है, और अब हम इसे साफ हाथ से मावे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे केवड़ा का फ्लेवर मावे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मावे का कलर बहुत ही बढ़िया केसरी हो गया है। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणपति, दिवाली, दशहरा सभी आने वाले हैं, तो आप इस तरीके से अगर मिठाई बनाएंगे तो घर में बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट मिनटों में मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मावा हमारा काफ़ी लूज़ और लिक्विडी हो गया है। और चलिए अब हम इसे कढ़ाई में डाल करके 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इस तरीके से फैलाते हुए पका लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख जाएगा और मावा हमारा मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप मिठाई बना करके इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप देख सकते हैं मावा को पकाते हुए 1 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए मावा हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब हम इसे कढ़ाई में ही 1 से 2 मिनट के लिए और चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये तले में जलेगा नहीं और ये जल्दी भी ठंडा हो जाएगा। और चलिए अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं, और ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए आप इसी तरीके से कढ़ाई में ठंडा होने दें, या फिर आप इसे प्लेट में निकाल लें। और आप देख सकते हैं मावा हमारा ठंडा हो गया है और ये जम भी गया है। और चलिए अब हम एक प्लेट लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मावा हाथ थैली पे रखेंगे, और इसे इस तरीके से घुमा करके इसे बीच में से दबाएंगे और इसे पेड़ा का शेप देंगे। और अब हम इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता लगाएंगे, और ये लीजिए हमारा बाजार में मिलने वाला 1000 रुपये किलो मिलने वाला पेड़ा या मिठाई बनके तैयार हो गया है। और सेम तरीके से हम थोड़ा सा और मावा वाला बैटर लेंगे, और इसे फिर से हाथों पे इस तरीके से घुमाते हुए रोल कर लेंगे, और बीच में से इसे प्रेस कर लेंगे, और इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता या बादाम, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो लगाएं, और इसे इस तरीके से बना करके प्लेट में रखेंगे। और बहुत सारे तीज त्यौहार आने वाले हैं, तो आप इस तरीके से मिठाई बनाएं। और आप देख सकते हैं मैंने सारे मावा का पेड़ा बना के तैयार कर लिया है, और अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस तरीके का आप मिठाई पहले से भी बना करके घर पे रख सकते हैं, तो आपको बाजार से मिलावटी मिठाई बिल्कुल भी खरीदना नहीं पड़ेगा, और ये घर का बना बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई बनके हमारा तैयार हो गया है। इस पेड़े को आप अगर किसी को भी खिलाएंगे तो वो यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है, और आपसे जरूर पूछेगा कि आपने इसे किस दुकान से मंगाया है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।